अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका टीचर डॉक्टर सैफुल्ला खान। लास्ट डे हम डिस्कस कर चुके थे कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड क्या चीज़ था, कंपाउंड के बारे में हम लिख चुके थे कि कंपाउंड हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बनता है। अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन हो जाता हो फिक्स्ड रेशो के साथ, कंपाउंड हमारे पास कहलाता है। यानी हम डिफाइन कैसे कर चुके थे, हम डिफाइन कर चुके थे कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली विद अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, फार्मूला से। हम ये कह सकते हैं कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स शॉर्ट नेम कॉल्ड फार्मूला। ठीक, फार्मूला क्या चीज है, फार्मूले के बारे में हम ये कह चुके थे कि फार्मूला टेल्स अस द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स विच आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ये हमारे पास काम था किस चीज़ का, फार्मूला का। फार्मूला क्या करता है, वो किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंटों की तादाद बताता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स कैसे किस किस रेशो के साथ मिले हुए हैं, ये हमें फार्मूला से पता लगता है। और हम डिस्कस करने जा रहे थे कि कंपाउंड हमारे पास जो है इसके दो टाइप्स हैं, एक होता है आयोनिक कंपाउंड, एक होता है हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड। याद रखें आयोनिक कंपाउंड जो हमारे पास होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, चूंकि कोवेलेंट कंपाउंड जब होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। आयोनिक कंपाउंड हमारे पास मिलते हैं, एक क्लस्टर बनाता है, एक लार्ज अमाउंट में ये मिल जाते हैं, चूंकि हमारे पास कोवेलेंट फॉर्म जो हमारे पास जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही में होता है। यहाँ पे इन दो बातों को डिस्कस करेंगे, साथ हम डिफरेंस बताएंगे यहाँ पे कि कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान क्या क्या फ़र्क है, क्या इसके डिफरेंस है। ये टॉपिक्स आपके साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो जनाब अली यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कंपाउंड के बारे में हम लिख लेते हैं कि कंपाउंड की दो टाइप्स है, एक को हम कौन सा नाम देंगे आयोनिक कंपाउंड, एक को हम नाम देंगे कोवेलेंट कंपाउंड। यहाँ लिखूंगा टाइप्स ऑफ कंपाउंड, हमारे पास कंपाउंड्स की टू टाइप्स है। कितने टाइप्स हैं, टू टाइप्स। एक टाइप को हम कौन सा नाम दे रहे हैं, एक टाइप को हम नाम दे रहे हैं आयोनिक कंपाउंड। कौन सी कंपाउंड, ये जनाब अली हमारे पास कहलाएगा आयोनिक कंपाउंड कहलाएगा। ठीक, और एक हमारे पास कौन सा कंपाउंड है, ये जनाब अली हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड ही हमारे पास होता है। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड में क्या फर्क है। आयोनिक कंपाउंड जो हमारे पास होता है डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एक तो ये आपको बताऊंगा कि ये इंडिपेंडेंट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। मैं लिखूंगा आयोनिक कंपाउंड हमारे पास क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड जब होते हैं ये डू नॉट, ये लिखूं यहां पे आयोनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करते इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली वजूद नहीं रखते। सही है, तो ये कैसे होते हैं ये आयोनिक कंपाउंड, ये हमेशा मिलते हैं और लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं, एक ह्यूज क्रिस्टल फॉर्म में मिलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँ, फर्ज करें हमारे पास क्या चीज़ है, ये एक क्यूब यहाँ पर ड्रा करना चाहूँगा, ये हमारे पास एक क्यूब है। ठीक है, ये एक सिंपल सा क्यूब यहाँ पर ड्रा करूँगा, तो ये हमारे पास सिंपल क्यूब है। लेट मी क्लियर, मैं इसको सही लिखूं, ये जनाब अली हमारे पास क्या चीज़ है, एक क्यूब है। ठीक है, हमारे पास एक क्यूब है, ये पूरा क्यूब जो हमारे पास है क्रिस्टल फॉर्म में, इसके अंदर हमारे पास ये होते हैं कैसे, सोडियम क्लोराइड फॉर एग्जांपल ये मैं ले रहा हूँ सोडियम, ये हमारे पास है क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, यानी ये सोडियम है ये क्लोरीन है, ये सोडियम है ये क्लोरीन, तो इसमें ये सोडियम क्लोरीन, ये सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम, सोडियम चूंकि साइज में स्मॉल होता है देन क्लोरीन के, ये हमारे पास सोडियम है क्लोरीन है, सोडियम है क्लोरीन है, सोडियम है क्लोरीन है, सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, ये सोडियम क्लोरीन, ये सोडियम क्लोरीन, ऐसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में, यानी ये एक ह्यूज क्लस्टर बनाते हैं, एक हमारे पास बड़ी मिकदार में हमारे पास पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड की बात बता रहा हूं। ठीक है, ये बात हम बाद में पढ़ेंगे कि हमारे पास आयोनिक क्या होता है, कोवेलेंट क्या होता है बाद में। आप देखें हमेशा हमारे पास आयोनिक कंपाउंड जब होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, यानी ये क्या बनते हैं, मैं आपसे कहूं कि जनाब अली हमारे पास ये कंसिस्ट रखते हैं लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसमें क्या होते हैं, इसमें कंसिस्ट होते हैं क्या चीज, इसमें कंसिस्ट होते हैं लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स अगर लार्ज नंबर में हो
तो ये क्या चीज बनाएगा जनाब अली? ये हमारे पास बनाएगा अ ह्यूज क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएगा। क्या बनाएगा? ह्यूज। ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा अ ह्यूज क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएगा। ह्यूज क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएगा, सही है। तो कंपाउंड दो किस्म के होते हैं, एक होता है हमारे पास आयोनिक कंपाउंड, एक होता है कोवेलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है? आयोनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी अकेला सोडियम और क्लोरीन अकेला नहीं पाए जाते। सोडियम और क्लोरीन जब होते हैं वो एक क्लस्टर फॉर्म पाए जाते हैं। इनकी बकायदा बहुत सी ग्रोथ होती है, बहुत हमारे पास सोडियम क्लोराइड क्या होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, एक ह्यूज नंबर पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या बनाते हैं ये जनाब अली? बनाते हैं आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आयोनिक कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड विच डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड फॉर्म अ ह्यूज क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, डेफिनेशन पर भी मैं यहां रुकूंगा। हमारे पास एक कौन से कंपाउंड है, लेट मी डिफाइन। डिफाइन करेंगे आयोनिक कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड्स, आयोनिक compounds are those compounds which are not exist, the main point yahan likhenge independently and they consist a large number of particles, they consist a large number of particles to form a huge crystal structure, a huge crystal structure is called, क्या कहलाएगा जनाब अली? Is called ionic compound। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड हमारे पास क्या होते हैं? ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो फ्री इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते और एक लार्ज नंबर हमारे पास इसमें पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं और क्रिस्टल फॉर्म में हमेशा पाए जाते हैं, दिस इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। नाउ अब हम पढ़ेंगे किस चीज के बारे में? अब हम पढ़ेंगे कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, लेट मी रेज एंड नाउ इट इज कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? याद रखो कोवेलेंट कंपाउंड जब होते हैं वो जनाब अली एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली और हमेशा किस फॉर्म में होते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यहां लिखेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में, लिखेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड जब होते हैं एग्जिस्ट करते हैं क्या चीज? दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये हमारे पास एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये हमें इंडिपेंडेंट फॉर्म मिलता है, यानी अकेला। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल एग्जांपल बताऊंगा, जैसे H2O की बात मैं कर रहा हूं, H2O हमारे पास है, ये एक मॉलिक्यूल तो है लेकिन इंडिपेंडेंट है। जैसे हमारे पास CH4 की बात कर रहा हूं, मीथेन है, ये एक मॉलिक्यूल है लेकिन हमारे पास क्या चीज है? इंडिपेंडेंट है। जैसे हमारे पास H2SO4 की बात कर रहा हूं, H2SO4 ये मॉलिक्यूल है लेकिन इंडिपेंडेंट है। जैसे हम बात करेंगे किस चीज की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं, ये हमारे पास क्या चीज है? इंडिपेंडेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अलावा हमारे पास ग्लूकोज की बात कर रहा हूं, C6H12O6 की बात कर रहा हूं, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है लेकिन क्या चीज है? इंडिपेंडेंट है। ठीक है, याद रखो जनाब अली, आप देखें ये सारे हमारे पास क्या है? सारे हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। क्या हमारे पास ये सारे हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली और किस फॉर्म में होते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे हम इसे? हम इसे डिफाइन करेंगे
कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हमारे पास है, कोवेलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट, ये क्या होते हैं? ये एग्जिस्ट होते हैं इंडिपेंडेंटली, खुद मुख्तार होते हैं, सही है, एंड आर इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होते हैं? फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं। तो क्या कहलाएगा जनाब अली? आर कहलाएगा ये क्या चीज? आर कॉल कहलाएगा ये कोवेलेंट कंपाउंड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोवेलेंट कंपाउंड्स कहलाएगा। अब ये बात हमारे पास कोवेलेंट आयोनिक जो है, इनकी जो बकायदा हमारे पास बॉन्ड बनती है, वो नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 3 में, आई थिंक, जी हाँ, चैप्टर नंबर 3 में हम इसको डिस्कस करेंगे, जो केमिकल बॉन्डिंग हम डिस्कस करते हैं वहाँ पे, हम इस 4 में, चैप्टर नंबर 4 पे, जहाँ पे हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे हम कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये तमाम बॉन्ड हम वहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये थी हमारे पास कंपाउंड के टाइप्स, दैट्स आयोनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। नाउ हमारे पास क्या चीज़ है? डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, ये बात यहाँ पे कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे, इनके बारे में लिखेंगे। एक हमारे पास कंपाउंड जब होते हैं, याद रखें कंपाउंड क्या होते हैं? ये केमिकल कंबाइनेशन से बनते हैं कंपाउंड। और हमारे पास जो मिक्सचर्स होते हैं, ये मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस से बनते हैं। फर्ज करें मैं यहां आपको बता दूं, हमारे पास एक कार्बन है और हमारे पास ऑक्सीजन है। क्या चीज है? ऑक्सीजन है, कार्बन है और दो हमारे पास ऑक्सीजन है। तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिल गए, ये क्या चीज है? ये केमिकली कंबाइन हो गए, ये कंपाउंड है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या चीज है जनाब अली? मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है, ये भी एक कोवेलेंट कंपाउंड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास बन जाता है, ठीक, यानी इसमें ये केमिकली कंबाइन हो गए। या अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको H2SO4 की बता दूं, सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये केमिकली फिक्स रेशियो के साथ कंबाइंड हो गए, ये केमिकली फिक्स रेशियो के साथ कंबाइंड हो गए, ये केमिकली फिक्स रेशियो के साथ कंबाइंड हो गए। तो याद रखो हमारे पास कंपाउंड जब होते हैं वो बनते हैं किस चीज से? जो हमारे पास ये फॉर्म हो जाए बाई केमिकल कंबाइनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। ये हमारे पास एटम ऑफ द एलिमेंट्स जब होते हैं, ये केमिकली क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं। तो हमें क्या मिलता है? कंपाउंड। ये क्या लिखता है यहां पे? ये कंपाउंड जब होते हैं फॉर्म पैदा हो जाते हैं बाय द केमिकल कंबाइनेशन, केमिकली कंबाइन करते हैं एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स को, तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास कंपाउंड बनेगा। जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 है। दूसरी बात, हम तो बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर किसे मिलता है? यहां पे एग्जांपल यहां पे लिखेंगे मिक्सचर का। अगर आपको पता है, फॉर एग्जांपल मैं ये एक सिंपल सा वाटर उठाऊंगा, ये हमने उठाया क्या चीज? इस बीकर में मैंने उठाया वाटर, इसमें यहां पे वाटर लिया है, वाटर के साथ यहां पे मिक्स कर दिया, मिक्स करता हूं किस चीज को? लिटिल शुगर को, यहां पे मैं शुगर को मिक्स करता हूं, और इनके साथ थोड़ा सा मैं फॉर एग्जांपल कलर यहां मिक्स करता हूं, ठीक है, कलर। तो हमारे पास ये क्या बनेगा? ये एक सिंपल सा ड्रिंक बनेगा। क्या बनेगा? ये एक ड्रिंक बनेगा। अब इस ड्रिंक में मैंने क्या लिया? मैंने इस ड्रिंक में वाटर मिलाया है, कलर मिलाया है और शुगर मिलाया है, तो हमारे पास ये एक मिक्सचर बन जाता है। तो यानी मिक्सचर के अंदर बकायदा हमारे पास केमिकली कंबाइनेशन नहीं होती एलिमेंटों की। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान क्या फर्क है, तो पहला फर्क आप ये बताएंगे कि हमारे पास कंपाउंड जब होते हैं वो केमिकली कंबाइन करते हैं एलिमेंट्स, तो हमारे पास बनते हैं। चूंकि मिक्सचर जो है बाय मिक्सिंग अप द सब्सटेंसेस, ये सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं, यानी जो हमारे पास सब्सटेंस मिक्स होते हैं, देखें जैसे मैंने ये वाटर लिया है, इसमें मुख्तलिफ सब्सटेंस मैंने ऐड कर दिए हैं, सही, तो जनाब अली हमारे पास कहलाएगा मिक्सचर। सब्सटेंस के बारे में एक और बात यह भी है जनाब अली, अगर हम सब्सटेंस को या कंपाउंड को हम उसमें कुछ चीजें ऐड करें, तो उसकी अपनी जो आइडेंटिटी होती है वो लॉस हो जाती है। मिसाल बता रहा हूं आपको, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है हमारे पास क्या, एग्जांपल में हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन आपने अपने घर में देखा होगा, स्टोव जो हमारे पास चलती है, ये हमारे पास स्टोव है, तो स्टोव में जो पहला फायर निकलता है, फायर जहां बर्न होती है, वो ब्लू फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? स्टोव में ब्लू फॉर्म में हमारे पास फायर है।
और फिर बाद में ये हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता येलोविश फॉर्म में आता है, सही ऐसा येलोविश फॉर्म में आता है। आपने कभी गौर किया है कि इस तो जो चूल्हा हमारे घर में जल रहा है उस चूल्हे से पहला फायर हमारे पास जो वहाँ से बर्निंग होती है पहला स्टार्ट लेता है, ब्लू कलर उसमें बर्निंग होती है, फिर बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है येलो कलर में। ये क्यों ऐसा है? ब्लू कलर में जब होता है इसका मतलब ये है कि इसमें हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की गैस जो है ये क्या हो रही है, ये बर्न कर रही है। और येलो कलर जो है इसका मतलब ये है कि इस हाइड्रोजन गैस को, इसकी बर्निंग को हेल्प देता है। क्या देता है? हेल्प देता है हमारे पास कौन? ऑक्सीजन इसको हेल्प देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन जो हमारे पास है ये बर्निंग करता है। क्या करता है? ये बर्निंग करता है। और ऑक्सीजन जो हमारे पास है ये हेल्प करता है बर्निंग में। क्या करता है? ये हेल्प करता है बर्निंग में। अब देखें ये दोनों हमारे पास क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज जो है बर्न करता है और हेल्प करता है बर्निंग में। लेकिन जब ये दोनों फिक्स रेशो मिलेंगे यानी H2O के फॉर्म मिलेंगे तो आप सब जानते हैं कि ये हमारे पास फायर को क्या करेगा, फायर को खत्म करेगा यानी फायर को इग्निट करेगा, सही है, बिल्कुल खत्म कर लेगा तो H2O के फॉर्म में। अब यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज एक थी लेकिन जब ये दोनों केमिकली कंबाइन हो गए तो इन्होंने अपने प्रॉपर्टीज भी चेंज किए, इन्होंने अपनी आइडेंटिटी भी हमारे पास क्या की, लॉस की। आपको पता है ये H2O जो हमारे पास है, ये H2O अब इसकी हमारे पास अलग प्रॉपर्टी बन गए, यानी इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास ये आ गए कि ये लिक्विड फॉर्म में आ गए। पहले हमारे पास गैसेस फॉर्म में थे, अब H2O के फॉर्म में जब आते हैं तो ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में बन जाते हैं। इसके अलावा ये कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस हमारे पास बनते हैं। अगर इस H2O के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें ऐड करूँ क्या चीज़, इसमें एक एक्स्ट्रा O ऐड करूँ, नेसेंट ऑक्सीजन इसमें ऐड करूँ तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास H2O2 बन जाएगा। अब H2O2 हमारे पास फिर अलग प्रॉपर्टीज रखते हैं, फिर H2O2 के प्रॉपर्टीज ये नहीं होते, ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या बना? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना। इसका मतलब ये है कि कंपाउंड हमारे पास एक सब्सटेंस है, अगर इस कंपाउंड में से हम एक एलिमेंट को या निकाले या उसमें एक एलिमेंट ऐड करें, या एक एटम को निकाले या उसमें एटम ऐड करें, तो इसकी ऐड होने से या इस एटम का या एलिमेंट का इनसे सब्सट्रैक्ट होने से इनकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इनकी जो पहली हमारे पास प्रॉपर्टीज थी फिर वो प्रॉपर्टीज हमारे नहीं रहेंगे। तो मैं आपसे कहूंगा जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है प्रॉपर्टी बर्निंग है, ऑक्सीजन है प्रॉपर्टी हेल्प इन बर्निंग है, लेकिन जब दोनों मिल जाएंगे तो ये जो बर्न फायर होगा उसको बुझाएंगे, यानी H2O की कंप्लीट प्रॉपर्टीज मुकम्मल तौर पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग हो गए। लेकिन अगर यहां पे H2O में मैं एक्स्ट्रा एक O और ऐड कर लूंगा तो हमारे पास H2O2 इस्तेमाल होगा जो एंटीसेप्टिक के लिए हम यूज करते हैं, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हमारे पास बनेगा। इसकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज क्या हो गए, इससे चेंज हो गए। तो मैं यही चीज कह रहा हूं कि द कंस्टिट्यूएंट्स लोज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, अगर इनके अंदर से किसी को ऐड करें माइनस करें तो इनकी अपनी जो आइडेंटिटी होती है वो क्या हो जाती है, वो लॉस हो जाती है। कंस्टिट्यूएंट्स जो हम यहां पे लगाते हैं फॉर एग्जांपल अगर इसमें एक एलिमेंट ऐड करूं या निकालूं तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं। इनकी अपनी आइडेंटिटी का मतलब होता है इनकी शनाख्त क्या होती है, ये चेंज हो जाती है, इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है और एक नया सब्सटेंस बन जाता है। जैसे हमारे पास एच और ओ बर्निंग की प्रॉपर्टीज खत्म हो गई और एक नया सब्सटेंस H2O इसका बन गया, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो क्या चीज है, मिक्सचर है, मिक्सचर ऐसा है उसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास एज इट इज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ये हमने गिलास लिया, इस गिलास के अंदर फॉर एग्जांपल यहां तक मैंने इसको भर दिया, वाटर से भर दिया ये, बल्कि मैं इसको भर दूं मिल्क से, इसको मैंने भरा है मिल्क से, भरा है मैंने मिल्क से। इस मिल्क के अंदर मैं मिक्स कर रहा हूं किस चीज को, शुगर को मैं इसमें मिक्स कर रहा हूं और सही। तो ये जनाब अली हमारे पास जो शुगर में मिक्स कर दिया तो इसका जो आइडेंटिटी होती है वो हमारे पास सेम रहती है, यानी अगर मैं शुगर बढ़ाऊं तो हमारे पास ये फिर भी पीने के काबिल होते हैं। इसका ऐसा नहीं होता कि कंप्लीटली एक नया सब्सटेंस बना ले, ये नए सब्सटेंस नहीं बनाते, एज इट इज हमारे पास होते हैं। तो मैं कहूंगा शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स, यहां पे जो कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज होती है वही प्रॉपर्टीज यहां पे शो की जाती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं जनाब अली, ये जो कंपाउंड्स होते हैं कंपाउंड्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते केमिकली, यानी कैसा, मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास क्या मौजूद है, मेरे पास मौजूद है क्या चीज, सिंपल ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल मौजूद है। ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है इसको ऑर्डिनरी मीन
से यानी आम हालतों में हम इस ओ को तोड़ नहीं सकते, रूम टेम्परेचर में हम इसको तोड़ नहीं सकते। हाँ, इसको तोड़ सकते हैं अगर आप इसको करंट देंगे। क्या देंगे आप इसे? करंट देंगे। इसको तोड़ सकते हैं अगर आप इसे रेस पास करेंगे। इसे तोड़ सकते हैं अगर आप इसको फॉर एग्जांपल हीट देंगे। तो इस वजह इस वक्त हमारे पास वो टू को आप तोड़ सकते हैं। इसके अलावा आप इसको ऑर्डनरी फिजिकल मेथड से आप ऑर्डनरी इसको सेपरेट अलग नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी बात हमारे पास ये है कि कंपाउंड्स जो हमारे पास जो मिक्सचर्स हमारे पास है डू नॉट हैव फिक्स कंपोजिशन। इसके हमारे पास फिक्स बनावट नहीं होती। इसमें आप जो सॉल्यूट सॉल्वेंट होते हैं या इसमें आप जो दो तीन सब्सटेंसेस आपस में ऐड करने जा रहे हैं, इसकी खास कंस्टिट्यूशंस नहीं है, ना खास इसकी कंपोजिशन हमारे पास होती है कि कैसे हमारे पास ये कंपोज होते हैं, ठीक है। यानी इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास जो होते हैं वो चेंज इतने नहीं होते। इसके अलावा हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स फिजिकली मीन से हम अलग नहीं कर सकते। यानी अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि सोडियम को क्लोरीन से अलग करें। सोडियम को आप क्लोरीन से अलग नहीं कर सकते। इनको हम फिजिकली चेंज या अलग नहीं कर सकते, सही है। और अगर हमारे पास मिक्सचर की बात करेंगे तो मिक्सचर को हम अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मिक्स फ्रूट पड़े हुए हैं, यहाँ पे मिक्स डिफरेंट किस्म के हमारे पास फ्रूट्स पड़े हुए हैं, सही है। तो आपका मर्जी है, आप ये मिक्स फ्रूट्स ने एक मिक्सचर बनाया है तो आप इनमें से किसी भी एक को उठा सकते हो, अलग अलग आप इसको कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि हमारे पास मिक्सचर जो है उसको हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। चूंकि हम लोग कंपाउंड को फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते तो कंपाउंड हमारे पास के नोट सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, चूंकि हमारे पास जो मिक्सचर है ये सेपरेट हो जाती है, फिजिकल मेथड से हम इसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जितने भी कंपाउंड होते हैं तमाम के तमाम कंपाउंड्स केमिकल फार्मूला एक्सप्रेस करता है। जैसे मैं आपको बता दूं हमारे पास क्या चीज है जनाब अली, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास है, या फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम सल्फेट हमारे पास है, या इसके अलावा जैसे हम लिखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास है, हमारे पास वाटर की मॉलिक्यूल है। ये तमाम की तमाम जो हमारे पास कंपाउंड्स है इन कंपाउंड्स का बकायदा अपना केमिकल फार्मूला होता है। चूंकि मिक्सचर जो हमारे पास होता है इसका केमिकल फार्मूला नहीं होता, बस हम ये कहते हैं कि हमारे पास मिक्सचर आपने लाया, कोई चीज आपने मिला दिया, ये एक बिकर लिया हमने, इसमें वाटर डाल दिए, ये हमारे पास क्या है, वाटर है, इसके साथ मैंने यहां पे कुछ स्टोन्स भी रखे हैं, सही है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका अपना हमारे पास क्या नहीं होता, केमिकल फार्मूला नहीं होता। चूंकि कंपाउंड का क्या होता है, केमिकल फार्मूला होता है। एंड हमारे पास मिक्सचर जो है डू नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला, इसका केमिकल फार्मूला नहीं होता। एक नेक्स्ट बेहतरीन बात आपसे कहूंगा, जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं तमाम कंपाउंड्स की जो कंपोजिशन है वो क्या चीज है, वो होमोजेनियस है। यानी इन सब में एक फेज दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें किस चीज की, हम बात करें H2O की बात करें, आप जानते हैं H2O जो हमारे पास है ये क्या रखता है, ये एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखता है। क्या चीज, यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि हाइड्रोजन की अलग हमारे पास फेज हो, ऑक्सीजन की अलग फेज हो जिसको आप अलग जुदा कर सकते हो, नहीं। इनकी तमाम के तमाम हमारे पास जब होंगे कंपोजिशन जब उसका होगा होमोजेनियस होगा। लेकिन हमारे पास जो मिक्सचर्स है इसमें होमोजेनियस भी है, हेट्रोजेनियस भी है। तमाम की तमाम कंपाउंड्स का बकायदा फिक्स बॉइलिंग पॉइंट, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन हमारे पास जो मिक्सचर्स हैं उसका हमारे पास फिक्स बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। डिपेंड करता है इनके कंसिस्टेंस के ऊपर, डिपेंड करता है। जितने भी फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी ये फिक्स है इसके लिए। चूंकि हमारे पास मिक्सचर्स जब होते हैं उनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होती। होपफुली आपको समझ आया होगा। सिंपली मैं रिवाइज करना चाहूंगा, कंपाउंड्स केमिकल कंबाइन होते हैं, सही है। इनके एलिमेंट्स हमारे पास आपस में कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। मिक्सचर्स मिक्स होते हैं तो सब मुख्तलिफ सब्सटेंसेस मिक्स करते हैं तो मिक्सचर बनाता है। कंपाउंड के अंदर जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऐड हो जाए एलिमेंट्स या उससे निकल जाए तो उनकी जो कंपाउंड की आइडेंटिटी होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है और नए सब्सटेंस बन जाते हैं। लेकिन इसके अंदर कंसिस्टेंस की प्रॉपर्टीज दिखाई देते हैं। अगर आप पानी में चीनी मिलाएंगे तो चीनी की स्वीटनेस एक प्रॉपर्टी है वो इसमें दिखाई दे रहा होता है, ठीक है।
ठीक है, उसमें हम उसको महसूस कर सकते हैं। कंपाउंड्स जो हमारे पास होते हैं, कंपाउंड कंपोनेंट्स जो इसमें होते हैं, इसको हम अलग नहीं कर सकते। कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड केमिकली बाय ऑर्डिनरी मींस, यानी इसको हम अपने आम रोजमर्रा मामूल के मुताबिक इसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इसका हमारे पास फिक्स कंपोजिशन नहीं होता, इसको अलग हम कर सकते हैं। हमारे पास कंपाउंड्स जब होते हैं उसको फिजिकली हम जुदा नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास मिक्सचर को फिजिकली हम जुदा कर सकते हैं। हमारे पास कंपाउंड्स जब होते हैं इनकी हर एक का अपना अपना केमिकल फार्मूला होता है, क्योंकि मिक्सचर का हमारे पास केमिकल फार्मूला नहीं होता। हमारे पास कंपाउंड्स जब होते हैं वो सिर्फ होमोजेनियस कंपोजिशन रखते हैं, क्योंकि मिक्सचर हमारे पास होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस दोनों कंपोजिशन रखते हैं। हमारे पास जनाब अली जो कंपाउंड होते हैं वो शार्प एंड फिक्स बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट रखता है, क्योंकि मिक्सचर जो हमारे पास है उसका शार्प फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। होपफुली आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ बाद में शेयर किया जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में सही। फिलहाल अल्लाह हाफिज़।